भारतीय जनता पार्टी की कई दिन से दिल्ली में सीटों को लेकर भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक चल रही थी, जिसके बाद आज शनिवार को पहली सूची जारी कर दी गई है। आपको बता दें, मेरठ सिवाल खास सीट पर मनिंदर पाल सिंह, हस्तिनापुर से दिनेश खटीक, किठोर विधानसभा से सतवीर त्यागी, मेरठ शहर की सीट पर कमलदत्त शर्मा को टिकट मिला है। वहीं कैंट की सीट पर अमित अग्रवाल, मेरठ दक्षिण पर सोमेंदर तोमर और सदना सीट पर संगीत सोम को टिकट दिया गया है। टिकट मिलने के बाद सभी प्रत्याशियों के बीच खुशी का माहौल है। प्रत्याशियों के घर पर समर्थकों का जमावड़ा लगा है और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए मिठाई खिलाई गई। कैंट विधानसभा सीट पर पार्टी में सार्वजनिक 20 के करीब दावेदार थे। लगातार 4 बार से विधायक सत्यप्रकाश अग्रवाल की आयु 80 वर्ष से अधिक होने के कारण ये तय माना जा रहा था कि यहाँ कोई अन्य प्रत्याशी होगा। इस सीट से 2 बार विधायक रहे अमित अग्रवाल ने टिकट की रेस में सबको पिछाड़ते हुए बाजी मारी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने जनता की आवाज को सुनकर अब मेरे को यह मौका दिया है। मैं कार्यकर्ताओं के लिए भी हमेशा उपस्थित हूँ, कार्यकर्ताओं का भी बड़ा आभारी हूँ कि वो दिल से मुझे चाहते हैं और वो चाहते थे कि मैं यहाँ उम्मीदवार बनूं, उम्मीदवार बन के जीतूं और जीत के जनता का और कार्यकर्ताओं की सेवा करूं, उसके लिए मैं तत्पर हूं, तैयार हूं। मैंने सपा बसपा के गठबंधन को भी भाजपा ने हराया, सपा बसपा के गठबंधन को हराया, मैंने बसपा कांग्रेस के गठबंधन को 96 में हराया, ठीक है। और आज भारतीय जनता पार्टी की शक्ति हर गठबंधन से ऊपर है। मैं कैंट की जनता के लिए संदेश देना चाहता हूं कि हर जनता कार्यकर्ता बन जाए, अपने पड़ोसी को, अपने दाएं बाएं के मकानों को, सामने पीछे के मकानों को, सबको भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में बताए, उससे होने वाले लाभों को बताए, सरकार से होने वाले लाभों को बताए और वो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को वोट दे।